my YouTube channel Zaz Experience where I share my personal experience with you. I am back with another video. आज की वीडियो होगी जी एक रिव्यू वीडियो. सो यस वेलकम टू रिव्यू सीरीज. मैं रिव्यू करने वाली हूँ गार्नियर स्किन एक्टिव प्योर एक्टिव 3-in-1 का जो है जी एक मास्क भी है और मतलब एक क्ले मास्क भी है, एक स्क्रब भी है और एक फेस वॉश भी है. इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी अपने वायरल स्किन प्रोडक्ट हॉल वीडियो में. अगर वो आप वीडियो आपने नहीं देखी है उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, वो जाके देख लीजिएगा. तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को कर दें प्लीज़ सब्सक्राइब. बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने का मौका मिल सके. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. लेते हैं इनके इसके इंग्रेडिएंट की इसमें अंदर क्या है. इसके अंदर आपको मिलता है जी एक्वा ग्रेसलीन जिंक सल्सिलिक एसिड. इसमें आपको मिल जाते हैं ऑयल भी, कैस्ट्रोल ऑयल भी हैं और बेशुमार दूसरे प्रोडक्ट भी हैं. यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है. अगर आप कर रहे हैं जी इसको यूज़ एज अ फेस वॉश तो आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने वेट फेस पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने मसाज करनी है बिल्कुल थोड़ी सी और उसको धो लेना है. अगर आप इसको यूज़ करें एज अ स्क्रब रोज़ की बेसिस पे तो आपने क्या करना है अपने फेस को तो गीला करना है और इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना है 3-5 मिनट पे और आपने इसको फिर रिमूव कर लेना है. और अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मास्क तो उन्होंने कहा आप लगाएं इसको 2-3 दफ़ा एक वीक के अंदर और आपने इसको इस तरह अप्लाई करना है कि आपने इसकी क्लियर थिन सी लेयर ना मतलब थिक को ना थिन हो ये वह आपने इतनी मतलब लेयर अपने फेस पर अप्लाई करनी है 3 मिनट के लिए और उसके बाद आपने अपना फेस जो उनसा है वो वॉश कर लेना है. ये अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह का बहुत थोड़ा प्रोडक्ट जो उनसा है ना बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लाइक इतना सा प्रोडक्ट है. अगर आप कर रहे हैं ना अपना फेस वॉश इससे तो इतना सा प्रोडक्ट है जो आपका पूरा फेस इजीली वॉश कर देगा और इतना सा प्रोडक्ट आपको लगेगा कि अगर आप स्क्रबिंग करने के लिए यूज़ कर लें. डेफिनेटली आपने मास्क लगाना है अपने पूरे फेस पे एक लेयर अप्लाई करनी है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और इस कदर फॉर्मिंग में अभी देखिए मैंने इस पर कोई पानी वगैरह अप्लाई नहीं किया, इसको वेट नहीं किया, अपने ड्राई हैंड पर अप्लाई किया है और ये देखें इसमें किस तरह के मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो इतनी ज़्यादा इजीली ड्राई हैंड पे भी इतना फैल गया है. अगर मैं इसको वेट हैंड पे अप्लाई करती तो ये मेरा पूरा हाथ इजीली कवर कर देता. डेफिनेटली ये जो सा प्रोडक्ट है उन्होंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए बेस्ट है. एक्चुअली ये मेरी मॉम का फेवरेट है. मम्मा मेरी की ना स्किन जो सी है वो ऑयली स्किन है और उनको ये बहुत अच्छे से सूट किया है. मैंने खुद भी यूज़ किया कि शायद मतलब कुछ स्क्रब्स वगैरह होते हैं कुछ फेस वॉश होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो दूसरी स्किन्स को भी मैच कर जाते हैं उनकी स्किन पे भी अच्छे लग जाते हैं. लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो सिर्फ ऑयली स्किन वालों की है. अगर आपकी स्किन ड्राई है नॉर्मल है ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी इसको यूज़ मत कीजिएगा. ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए और उन्होंने ये डेफिनेटली ऊपर ऑलरेडी मैंशन किया हुआ भी है. अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की मैं इसको कितना स्टार्स दूंगी तो डेफिनेटली मैं इसको दूंगी जी 4.5 स्टार्स. बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं. इससे फेस वॉश करने के बाद ना आपके फेस पे एक बहुत अच्छी ग्लो आती है तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब इसको मैं बता रही हूँ ना यूज़ भी हो चुका है इतना ज़्यादा थोड़ा सा रह गया तो मैंने सोचा मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूँ. अगर आपकी ऑयली स्किन तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए पर प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट. इसी के साथ होता है आज का रिव्यू ख़त्म. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलती हूँ बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.